मार्क रूस का जन्मदिन है आज, पता है 2 अक्टूबर को हम लोग 2 मार्क रूसों का जन्मदिन मनाते हैं। एक थे हमारे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पता है क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। गांधी जी को हम लोग पूरे नाम क्या कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। और हमारे का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, वो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ना। प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी है ना, समय ऐसे वो भी हमारे बहुत पहले के समय में प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री। आज इन लोगों का जन्मदिन है, तो हम लोग सबके जन्मदिन दोनों लोगों का जन्मदिन आज मनाते हैं। तो महात्मा गांधी ने हमें क्या सिखाया है आप लोगों को पता है? सबसे प्यार से रहना, किसी से लड़ाई नहीं करना, है ना, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारे जो महापुरुष हैं गांधी जी, इन्होंने कहा था। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, इन्होंने क्या कहा हमें अपने जय जवान जय किसान का नारा सुना है, इन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो यानी हमारे देश को किसान, जो हमारे गांव के लोग हैं, ये किसान खेती करते हैं, इनको किसान कहते हैं, ये हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह सेना, जो जवान लोग होते हैं वो सेना में जाके लड़ते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये सारी बातें इन महापुरुषों ने हमें सिखाई हैं। और महात्मा गांधी ने तो इतना देश के लिए, हमारी आज़ादी के टाइम जब अंग्रेज आए थे तो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी ने, सबके साथ मिलके, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, और कोई बंदूक तलवार के बिना इन्होंने सबको इकट्ठा किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ना। तब अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा ना, उनको छोड़ के जाना पड़ा ना हमारे देश को। तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग इतना घबरा गए हमारे महात्मा गांधी के व्यवहार से, उनके जो काम करने का देश के लिए अपने समर्पण था, उनकी बातें सुन सुन के अंग्रेजों ने उनको इतना डर लगा कि हमें अब इस देश में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज जो थे वो हमारे देश के शासन करने आए थे, पता है, उन्होंने हमारे देश को कब्जा कर रखा था। तो इन महापुरुषों ने मिल के हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हम आज़ाद हुए। पता है आज़ादी कब मिली थी? अभी मनाया था ना 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। हाँ 15 अगस्त को तो वो आज़ादी मिल गई, तो अंग्रेज हमें छोड़ के हमारे देश को चले गए और हम आज़ाद हो गए। तो ये जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने अपने देश को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो बताया कि हमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप अपने देश को साफ रखें, सफाई रखें, पूरे सारे लोग मिल के अब खुद साफ रहें, अपने घर को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें, अपने गांव को साफ रखें, ना। वो सफाई के बहुत बड़े, मतलब कुछ उनका कहना था कि आप सब मिलके अब अपना देश आज़ाद हो गया है, आप सब मिलके रहें, अपने देश को साफ सुथरा रखें और सारे धर्म के लोग मिलके रहें। ये सारा हमारे गांधी जी ने सिखाया था, इसलिए हम उन्हें महापुरुष और महात्मा कहते हैं। हाँ ठीक है, इसलिए आज हम उनका जन्मदिन हर साल मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी हम लोग आज मनाते हैं। तो इसलिए आपको उन महात्मा का जन्मदिन मनाने का सबसे बड़ा क्या होगा, उनके लिए हमें क्या योगदान है कि हम उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको, उन्हीं की बात मान के हम उसी तरह काम करें और अच्छे से अपने देश को, अपने गांव को हम लोग खुद आगे बढ़ें, ठीक है। और पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, पता है गांधी जी भी बहुत बड़े वकील थे, वो बाहर लंदन में जाके पढ़ के आए थे, पता है आप लोगों को, वो बाहर लंदन पता है विदेश, इंग्लैंड, जहाँ के लोग हमारे यहाँ राज किए थे उन्हीं के यहाँ जाके वो पढ़ के आए थे और वकील बने थे बहुत बड़े। तो आप लोगों को भी पढ़ना भी है और साथ में अच्छी अच्छी बातें भी सीखनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिल के रहना है, साफ सुथरा रहना है, गांव को साफ रखना है,
घरों को